इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में। मैं हूँ आपके साथ जागृति खंडवाल और आज प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा है। वैसे तो ये ट्रेड फेयर 19 तारीख से शुरू हो चुका है, लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में भी कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ मौजूद है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा मंडप पे, यानी हरियाणा पवेलियन पे, और यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ मौजूद है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो है मेले में पहुंचे हैं, यहाँ पर मेले को देखने के लिए पहुंचे, और इंटरनेशनल ये फेयर लगा हुआ है। और ऐसे में काफी सारे बच्चे भी यहाँ पर हरियाणा के हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मेले में आए हैं अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर आए, तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा अनुभव मिल रहा है। क्या नाम है आपका? तनु। ठीक है, आप यहाँ हरियाणा से आई हैं? यस। कैसा लग रहा है आपको इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक क्या क्या खास देखा आपने यहाँ पर? संस्कृति के बारे में देखा है। आप अपनी संस्कृति को तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कैसा लग रहा है? यहाँ पर और भी जो है काफी सारे राज्यों की प्रदर्शनी लगी है, हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम रजनी है मैम। हाँ जी मैम, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज्यादा अच्छा ये इस बात का लग रहा है कि बच्चों को यहाँ आके इतना इंजॉयमेंट हो रहा है, और इन्होंने बहुत सारी प्रदर्शनियां देखी, जैसे दिल्ली हरियाणा, और हरियाणा से वैसे ही वाकिफ है, लेकिन जो यहाँ का कल्चर है कई चीजें हमने हरियाणा में रहते हुए नहीं देखी, लेकिन यहाँ इस मैदान में आके हमने वो चीजें भी देखी, और बच्चों ने खुद उसको फील किया है। कभी वो जैसे हमारे प्लेयर्स है उनके स्टैचू के पास जाके पिक्स ले रहे हैं, कभी जो हमारे ढोल नगाड़े हैं उनको देखा है, वहाँ पे बच्चे काफी इंजॉय फील कर रहे हैं, और जैसे जम्मू वाली ड्रेस है या फिर पंजाब और हरियाणा वाला जो भी है, उन सभी को देख के काफी आनंदित हो रहे हैं बच्चे। जी, हरियाणा का पवेलियन बिल्कुल हरियाणा इतना कुछ खास लगा, क्या सबसे अच्छा लगा आपको पूरे पवेलियन? हमारे पूरे पवेलियन में जो घूमता हुआ रथ है, वो कुरुक्षेत्र वाला जो अर्जुन ने और गीता का उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, वो काफी अच्छा लगा, और उसके साथ साथ जो हर्बल का है और एफडे का भी काफी अच्छा है, जो हर्बल हनी वगैरह जो प्रोडक्ट हैं उनको अपलिफ्ट किया गया है, वो काफी अच्छा लगा। बच्चे काफी खुश हैं, और हरियाणा के ही हैं बेसिकली, हमें इसलिए भी हरियाणा का अच्छा लगा है। हरियाणा के अलावा, हरियाणा के अलावा एक और कौन से अन्य राज्य है जिनका आपको इस बार जो प्रदर्शनी काफी अच्छी लगी? ओडिशा के भी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपने फूड ट्राई करा, खाना यहाँ का ट्राई करा? नहीं नहीं, हम खाना अपने साथ ही ले आए थे घर से, चूरमा बनाकर गिर दही, उसी को हमने एंजॉय किया है। बच्चों से भी जान लेते हैं कि बच्चों को यहाँ पर कैसा अनुभव मिल रहा है, क्योंकि टीचर उनको दिखाने तो लाए हैं प्रदर्शनी, लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या कुछ सीख रहे हैं और अपनी संस्कृति को कितनी बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं, ये भी उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सही ना। पहली बार आप यहाँ पर ट्रेड फेयर में आए? हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आने? बहुत अच्छा। क्या क्या यहाँ पर खास देखा? बहुत कुछ देखा है। क्या सबसे स्पेशल लगा यहाँ? हरियाणा। हरियाणा स्पेशल लगा, हरियाणा से तो आप हो, उसके अलावा क्या कुछ खास लगा? और कुछ देखा ही नहीं अभी। तो बच्चे भी जो है काफी एक्साइटेड यहाँ पर नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी कुछ बच्चों ने यहाँ पर देखा है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। चलिए, उनके टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बच्चों को वो प्रदर्शनी दिखाने लाए हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे उनका मोटिव रहा। मोटिव से शिक्षा तो मिलती है, और प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई इसका टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्किंग डे में संभव हो नहीं पाता, और हॉलीडे होता है उस दिन सभी संभव नहीं हो पाता देखना, इसलिए इसका अगर टाइम बढ़ाया जाए तो इसके और भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो जिस तरीके से टीचर्स का भी कहना है कि बच्चों को यहाँ पर अपनी संस्कृति को जानने का काफी मौका मिल रहा है, उनके शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य से आप हैं, जिस जगह पे आप पले बढ़े, आपको वहाँ की संस्कृति का बेहतर अनुभव होना चाहिए। चलिए, आपको सीधा अंदर पवेलियन में लेकर जाते और दिखाते इस बार क्या कुछ खास प्रदर्शनी में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हरियाणा की जो अपनी परंपरा है, हरियाणा की पगड़ी, वो भी यहाँ पर पहनाई जा रही है, लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, पगड़ी पहन रहे हैं। चलिए, इनसे भी जान लेते हैं, आप कहाँ से? रेवाड़ी से। मुझे रेवाड़ी से है। यहाँ पर पहली बार ट्रेड फेयर में आए? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हरियाणा के इसमें आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो हरियाणा की संस्कृति से आप बिलोंग करते ही है, लेकिन फिर भी इस बार प्रदर्शनी में क्या कुछ सबसे ज्यादा खास आपको? जी, हरियाणा का ये खास लगा हमें, तो जो हमारे खुद तो खास लगा, लेकिन इस पवेलियन में सबसे अच्छा क्या लगा? अभी पूरा घूमे ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पर ये घूम ही रहे हैं, और जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं काफी खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर सजाया गया है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो धर्म
क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ पर क्या काफी खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो है रथ को या कुरुक्षेत्र जिसको रणभूमि कहा जाता है उसको कितने बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसको भी हम नहीं भुला सकते हैं, किस तरीके से इसे खूबसूरती से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी तस्वीरें देखेंगे तो 8 साल बेमिसाल, यानी कि जिस तरीके से सरकार के जो है 8 साल हो चुके हैं और ऐसे में महारा लोकल बढ़िया ग्लोबल इसका थीम यहाँ पर रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा सरकार के कामों को यहाँ पर एक झांकी के तरीके में दिखाया गया है, बेहद ही खूबसूरत तरीके से वहाँ के पहनावे वहाँ के वेशभूषा को भी दिखाया गया है, वहाँ की महिलाओं की क्या वेशभूषा होती है उसको काफी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। और यहाँ पर काफी सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बच्चा भी है, इनसे भी जानते हैं इनको इस बार ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास लगा। क्या नाम है? मेरा नाम देव है। कहाँ से आए हुआ? मैं सुपर टेक रोशन पब्लिक से आया हूँ। यहाँ पर आप जो है ट्रेड फेयर में पहली बार आए? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। कैसा एक्सपीरियंस है आपको, कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई है नई एंड मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी है यहाँ पर। अच्छा, सबसे अच्छा आपको यहाँ पर कहाँ का कल्चर लगा, कहाँ का आपको पवेलियन सबसे अच्छा लगा? मुझे तो सारी चीजें ही पसंद आई यहाँ पर। और यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है, ये भी यहाँ पर देखने आया। क्या नाम है बेटा आपका? सिद्ध भाटिया। क्या आप पहली बार ट्रेड फेयर में आयो? Yes. कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पर खुद तो आ ही रहे लेकिन अपने बच्चों को भी यहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति, हमारी धरोहर और क्या कुछ खास है हमारे इस देश में, वो इस पूरे ट्रेड फेयर में आपको आज हर राज्य की खासियत देखने को मिलेगी। और इस वक्त हरियाणा का भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है स्टार्टअप बिजनेस का, जिस तरीके से सरकार हमेशा एक संदेश देते आई है, लोगों को स्टार्टअप बिजनेस के लिए प्रेरित करती आई है। और यहाँ पर लोग जो है अपने स्टार्टअप को लेकर के भी पहुँच रहे हैं। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम? आदित्य। यहाँ पर आज आपने क्या कुछ उसने खा? मैम बेसिकली द कंपनी का नाम है अर्बन ग्रैनी, वी आर अ स्टार्टअप, मार्च में वी स्टार्टेड। तो बेसिकली दीज आर रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, तो जैसे राजमा चने छोले वगैरह आप घर पे बनाते हैं, सो ये ऑलरेडी हमने सोक और बॉइल करके दे दिए। यू कैन ऐड टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मसाला ग्रेवी वगैरह ऐड करके यू कैन हैव देम। जिस तरीके से इस बार ट्रेड फेयर का थीम भी है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, तो इसको किस तरीके से जो है स्टार्टअप बिजनेस में इसको मोटिवेट किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है अपना स्टार्टअप बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा है, इजी कुक दाल मखनी, अर्बन ग्रैनी इस कंपनी का नाम है। किस तरीके से लोग जो है अपने स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त इस बार इन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई है। आगे चलते हैं जहाँ पर लोकल फॉर लोकल में ही जो है अतुल्य वी मास्टर प्रोडक्टर जो है यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने भी काफी सुंदर अपनी जो है छाती सजाई है, काफी अच्छे तरीके से इस एग्जीबिशन में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट किया है। चलिए इनसे भी जान लेते हैं, आपका क्या नाम? मैम दलवीर सिंह। मैम मैम ये हमारी हनी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, मैम इस पे वर्क कर रहे हैं। ये मैम FPO है, हमारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ये फार्मर से हम हनी बाय करते हैं मैम और उसकी टेस्टिंग के बाद पैकिंग करके कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं मैम उच्च क्वालिटी मैम। तो क्या ये किसी तरीके का जो है ऑर्गेनिक है या फिर किसी तरीके से ट्रीटेड किया गया है? मैम आप इसको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक शायद है मैम, विदाउट शुगर मैम। हमारे पास सिरका भी विदाउट शुगर है और मुरब्बे हैं विदाउट शुगर, हनी में ही मुरब्बे मैम रखे गए हैं और गुलकंद है वो भी हनी है मैम, विदाउट शुगर फ्री है। जिस तरीके से आप इनके पोस्टर में भी देख सकते हैं, अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है और स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा। तो एक स्टार्टअप बिजनेस इन्होंने यहाँ पर शुरू करा है। जिस तरीके से सरकार भी जो है लोगों को, अपने देश की जनता को मोटिवेट कर रही है, अपने प्रदेश की जनता को मोटिवेट कर रही है कि वो अपना स्टार्टअप करे और उसमें और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश करे। और इसी जैसे में आगे भी हम बढ़ेंगे जहाँ पर लैपिस फ्लेम एथेनॉल स्टोव प्राइवेट लिमिटेड का भी यहाँ पर स्टॉल लगा है, सर से भी जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर इस बार इनकी एग्जीबिशन में खास है और क्या लोगों को यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा खास मिल सकता है। क्या नाम है? सुशील कुमार नाम है मैम। जो हमारा स्टॉल लगा है मैम इसमें ना हमारे पर्सनल केयर के हैं, ये गर्ल्स कलेक्शन है, परफ्यूम है वो बॉयज कलेक्शन है, होम केयर हमारा होम केयर में भी हम डील करते हैं जो लैपिस हमारा ब्रांड है मैम, और परफ्यूम्स में हम डील करते हैं अरमान हमारा ब्रांड है मैम,
हाँ जी मैम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टार्टअप बिजनेस को काफी बढ़ावा दिया गया। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा खेती और खेलों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो है अपना स्टार्टअप बिजनेस भी इस बार करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लोग भी काफी खरीदारी कर रहे हैं। हैंडमेड ज्वेलरीज यहाँ पर जो है लगाई गई हैं, हैंडमेड जो है ने बनाया गया है और काफी खूबसूरत ये नजर भी आ रही है। यहाँ पर एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं इस बार जो है इनके स्टॉल में क्या कुछ खास है और कहाँ से इनको ये आइडिया आया, इनिशिएटिव आया, ये भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा नाम ज्योति। आपने पहली बार पेंट कर रहे हैं? हाँ, पहली बार पार्टिसिपेट किया है। ओके, एक्चुअली मेरे पास जो है हैंडमेड ज्वेलरी ज्यादा है, ये मैं जितना भी यहाँ पे है ये सब मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, ठीक है। तो बाहर ये चूड़ियाँ बाहर नहीं मिलेंगी आपको, एक साल में अगर मैंने लगाया नेक्स्ट ईयर मेरे पास ही मिलेगा ये हैंडमेड ज्वेलरी। और टोटल ये मेटल है, मेटल के ऊपर बीट से वर्क है। स्पेशली कोई भी लेडीज आती है जिसको समझ है हैंडमेड ज्वेलरी की, और ये गरीब बच्चे जो गांव के होते हैं ये वो बच्चे बनाते हैं, मैं उनको डिजाइन बताती हूँ, फिर वो उस डिजाइन को मतलब फॉलो करके फिर उसको बना के मैं यहाँ पे फिर उनको सेल करके फिर उनको बच्चों को वहाँ पे वो पहुँचाती हूँ। तो ये जी तो काफी खूबसूरत यहाँ पर ज्वेलरीज आप देख सकते हैं और ये सभी हैंडमेड है। खासतौर पर ये जो है कंगन आप देख सकते हैं, ये हरियाणा में ही बनाए गए हैं। काफी सारे जो है लोकल जो महिलाएं हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्होंने इसको मनाया है, तो काफी खूबसूरत ये आप देख सकते हैं कंगन बनाए गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि स्टार्टअप है उनका, पहली बार वो ट्रेड फेयर में पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सरकार का एक जो मैसेज है ईज ऑफ डूइंग और स्टार्टअप बिजनेस का वो लोगों तक पहुंचा और लोग काफी संख्या में बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस मसालों का भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, तो ये सारा कुछ आपको हरियाणा पवेलियन में मिलने वाला है। अगर आप भी इन सभी चीजों को खरीदारी करना चाहते हैं, इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार ट्रेड फेयर में हरियाणा पवेलियन में जरूर विजिट करें। इस बार का थीम आपको फिर से एक बार बता दूं, लोकल फॉर वोकल और लोकल टू ग्लोबल है, यानी कि यहाँ पर आप लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स या जो हैंडमेड चीजें हैं वो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक यहाँ पर चीजें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर भी जान लेते हैं स्पाइसेस में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है या इस बार के स्टॉल में क्या खास इन्होंने लगाया है। सर आपका नाम? मेरा नाम घनिष्ठ है, मैं डायरेक्टर हूँ छोक स्पाइसेस का, और हमने यहाँ पे अपने प्रमोशन के लिए होल स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस और खड़े मसाले लगाए। आपको हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है यहाँ पे, इसका नाम 26 है, जो कि प्योरिश फॉर्म ऑफ टर्मरिक, कोरिएंडर और रेड चिली देता है। मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है और इन प्योरिश फॉर्म, तो हम यहाँ पे अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं। तो काफी सुंदर यहाँ पर जो है ये स्टॉल लगाया गया है और खासतौर पर ये मसालों का स्टॉल है। काफी आप जिस तरीके से देख सकते हैं काफी सारे मसाले यहाँ पर मौजूद हैं और कई सारे मसालों का ये भी कहना है कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर आसानी से इन्हें खरीद सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि हरियाणा अपनी खेती, अपनी खेल, अपनी रणभूमि के लिए जाना चाहता है, तो यहाँ पर कई तरह के लोग जो है वो मौजूद है। हम यहाँ पर स्टॉल मौजूद है ध्यान कक्ष सतयुग दर्शन ट्रस्ट का, ये स्टॉल यहाँ पर लगा है, इसे भी जान लेते हैं यहाँ स्टॉल में क्या खास है, क्या खास मैसेज यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। मैम आपका नाम? सुमन। आप स्टॉल? हाँ जी, ये हमारा संभाग सम डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल है, फरीदाबाद में खुला है, ये हरियाणा टूरिज्म के अंडर है। हमारा मेन मकसद ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हरियाणा टूरिज्म से ओरिएंटेड है और इनका मेन जो मोटिव है, जो असली मकसद है, वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। काफी हरियाणा भवन या हरियाणा पवेलियन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत तरीके से जो है इसको दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम स्टॉल में पहुंच गए हैं पंजाबी फुलकारी सेंटर, तो काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है सूट, कपड़े, कुर्ते जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है अपने स्टॉल को भी डेकोरेट किया है, काफी अट्रैक्टिव ये दिखने में लग रहा है। इसमें इनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या कुछ खास है जो लोगों को सिर्फ हरियाणा पवेलियन में ही मिलने वाला है। आपका नाम? पवन कुमार। आपने
पहली बार ट्रेड कर रहे हैं? नहीं, हर साल लगाता हूँ मैं। ये देखिए फुलकारी सूट, ये नया डिजाइनिंग है, ये फुलकारी की, ये इसलिए स्पेशल बनाया इसके लिए। काफी सुंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर काम किया गया। क्या ये हैंडमेड है? यस यस, हैंडमेड, फुली हैंडमेड है। और यहाँ पर सरकार भी बढ़ावा दे रही है स्टार्टअप बिजनेस का, और ऐसे में कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, और ये पूरा हैंडमेड है। तो ये भी आप देख सकते हैं, आप हरियाणा पवेलियन में इस स्टॉल पर विजिट कर सकते हैं। काफी खूबसूरत यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाएगा, कुर्ते यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा खास तौर पर यहाँ पर जो है फुलकारी आपको कपड़े देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं, काफी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। काफी सुंदर तरीके से इस पूरी पवेलियन को डेकोरेट किया गया है, काफी अच्छे तरीके से हरियाणा की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। काफी सारे लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए यहाँ पे सर भी एक मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं क्या उनको इस बार सबसे खास लगा। आपका नाम? आतम अग्रवाल। नहीं, मैं आता रहता हूँ, हर साल आते हैं। इस बार अभी आप कितना, मतलब क्या पूरा ट्रेड फेयर अभी तक आप घूम चुके हैं सारे स्टेट? काफी कुछ देखा मैंने, काफी। सबसे खास आपको क्या लगा? देखिए डिफरेंट है, जैसे आप टिपिकल हरियाणा के ड्रेस में हैं, इसी तरह क्योंकि दो साल बाद हुआ है कोरोना के बाद, इसलिए लोगों में उत्साह बहुत है और इतनी उमंग के साथ आए हैं। आपने देखा होगा सेल्स भी सबकी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उत्साहित हैं लोग। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, दो साल से घरों में बैठे हुए लोग सब बोर हो गए थे, तो बहुत ज्यादा लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं और मनोरंजन टाइप एंटरटेनमेंट। सरकार भी ये कह रही है कि जो है स्टार्टअप बिजनेस करें, लोग अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करें, उसको ग्लोबली फिर और अच्छे तरीके से सुधार कर लाए, उभार कर लाए, ताकि ग्लोबल में भी यानी कि पूरे विश्व में भी भारत की अलग पहचान बन सके। और काफी सारे इस वक्त हमने भी स्टॉल देखे जो स्टार्टअप बिजनेस है, लोगों ने नई शुरुआत की है। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या खास है उनमें, और क्या वाकई में आगे चल करके इसको और प्रमोट किया जाना चाहिए, या आप लोग इसको किस तरीके से प्रमोट करें? देखिए ऐसा है, बिजनेस तो क्योंकि मैं खुद एक्सपोर्टर था, तो बिजनेस तो शुरू से ही ग्लोबल इंडिया की एक पहचान रही है। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, लेदर के आइटम्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता वो हिंदुस्तान बनाता है। तो पहचान धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इंटरनेट है और उसकी वजह से अप्रोच करना बायर्स को आसान हो जाता है। तो इंटरनेशनली इंडिया का बहुत नाम है, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फेम एंड पीपल आर क्रेजी, यू नो बायर्स आर क्रेजी टू गेट द इंडियन प्रोडक्ट्स। एक तो हैंडमेड आइटम्स दुनिया में बड़े कॉस्टली हैं, जो इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं, तो उस लिहाज से भी। और ये एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल फेयर, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आगे बढ़ने के लिए। जिस तरीके से ट्रेड फेयर में जो है स्टॉल्स लगे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर जिस तरीके का जो है वातावरण लोगों को मिल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो स्टार्टअप करके उभर के तो आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको यहाँ पर आपको लगता है कि उनको लोगों का सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, या उनके लिए ट्रेड फेयर एक माध्यम बन सकता है आसानी से उभर पाने का? शुरू से एक डिमांड रही है कि ये फेयर 13 या 14 दिन का बहुत कम है, जिसमें 5 शुरू के दिन जो है वो बिजनेस के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उसमें भी जनरल पब्लिक बहुत ज्यादा आती है। उसकी वजह से जो सीरियस बिजनेस होना चाहिए वो नहीं आता। देखिए कुछ कंट्रीज ने आना छोड़ दिया और वो नहीं आती क्योंकि सीरियस बिजनेस नहीं होता। या तो इसको 1 महीने का 1.5 महीने का करें और शुरू के 15 दिन एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस एंड ग्लोबली करने के लिए वो होना चाहिए, तब तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन ये एक मेला टाइप होके रह गया, जो एक दुर्भाग्य है। कहीं लोगों का भी ये मानना है कि इसका जो अवधि है मेले की, क्योंकि सिर्फ 14 तारीख से 27 नवंबर तक इस मेले को लगाया गया है, स्ट्रेट फेयर को लगाया गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो समय सीमा है वो काफी कम हो जाती है। लोगों का ये मानना है कि इसको अगर विश्व स्तर पर और इसका नाम होना चाहिए, अगर इसको और बढ़ावा देना है, तो कहीं ना कहीं इसकी समय अवधि को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा जो है आसानी से यहाँ पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि कम समय होता है तो भीड़ भाड़ काफी होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं इतने अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका लोगों को नहीं मिल पाता है। आगे तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पीछे जिस तरीके से हर्बल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है, इसके अलावा हाईटेक इंटरनेशनल एक यहाँ पर ब्रांड है, ये यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी जान लेते हैं कि इनके पास प्रोडक्ट्स क्या कुछ खास है, और जो हरियाणा की खेती से हो, हरियाणा की भूमि से हो, वो क्या कुछ इनमें खास है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मैं अभिषेक। क्या इस बार आपके स्टॉल में खास है, और क्या ट्रेड फेयर में आपका ये पहला स्टॉल है? नहीं, मैं लगातार रहता हूँ यहाँ पर ट्रेड फेयर में। मेरा जो नया प्रोडक्ट है डॉक्टर वायो है, कंपोस्ट फ्रॉम डॉक्टर वायो। तो
क्या कुछ खास लोगों के लिए आपके इस स्टॉल में है जो लोग परचेज कर सकते हैं और लोगों के लिए जो और कोई अवेलेबल नहीं? ये सर प्लास्टिक का अल्टरनेटिव है मैम, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव। और जिस तरीके से पॉलिथिन को भी बैन कर दिया गया है तो क्या ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये उसके जगह पे यूज किए जा सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये उसी की जगह पे ये सारे प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे, जैसे कैरी बैग्स हुआ, स्ट्रॉज हुआ, कटलरीज हुआ, गार्बेज बैग्स हुआ, ये सारे कंपोस्टेबल है। यार तो सोइल इज प्रेजेंट विद इन 6 मंथ डीकंपोज हो जाएंगे ये सारे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स भी आप इनके देख सकते हैं। इनका कहना है कि ये प्लास्टिक का अल्टरनेटिव है। जिस तरीके से सरकार ने भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग काफी समय से इसका एक विकल्प ढूंढते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हरियाणा पवेलियन में ट्रेड फेयर में इस बार ये विकल्प भी मौजूद है। इनका कहना है कि ये सॉइल में 6 महीने के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा और ऐसे में लोग इसको एक विकल्प के तौर पर अपना सकते हैं और कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण है उस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। आगे भी बढ़ते हैं, काफी सारे स्टॉल यहां पर लगे हुए हैं, प्रदर्शनी लोगों ने यहां पर लगाई है, एक्वा वाटर स्टोरेज टैंक का भी यहां पर स्टॉल लगा है, इसकी भी खासियत होगी। इसके अलावा यहां पर हैफेड का भी स्टॉल लगा है। अनुभव कीजिए हरियाणा का असली स्वाद, ये इस स्टॉल का कहना है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, क्योंकि इस बार की थीम है। और ऐसे में हरियाणा के लोकल प्रोडक्ट्स से क्या कुछ खास ये लेकर आए हैं जो और कहीं लोगों को नहीं मिलेगा, ये भी इनसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपका नाम जाना है? सुनील कुमार मैम। नमकीन और बिस्किट है और मल्टीग्रेन आटा लॉन्च किया है अभी। आप हर साल ट्रेड फेयर में स्टॉल है? यस मैम। जो है कोविड की वजह से काफी प्रभावित रहा, इस बार क्या लग रहा है, क्या जो लोगों में जो उत्साह है या इस बार की जो खरीदारी है, इस बार क्या कुछ अंतर लग रहा है पिछले 2 सालों से? मैम अभी तो कम ही है, ज्यादा इतना नहीं, जो पहले होता था ना उससे कम हो रहा है अभी। उससे कम हो रहा है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये हैंडमेड है या ऑर्गेनिक है, किस तरीके के प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करते हैं? कह सकते हैं इनको हम, ये किसान से परचेज करते हैं मंडियों से, फिर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है फेड ने, फिर प्रोसेस करके मंडी में मार्केट में उतार देते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके हैफेड का भी स्टॉल है। हालांकि इनका ये कहना जरूर है कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद 2 साल ट्रेड फेयर नहीं लगाया गया उस वजह से काफी प्रभावित व्यापार रहा और ऐसे में इस साल कहीं ना कहीं हैफेड के स्टॉल को थोड़ा सा निराशा का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों की यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही है और ऐसे में उम्मीद हर कोई कर रहा है कि उनके स्टॉल में भी इस बार अच्छी खरीदारी हो। और क्योंकि हम हरियाणा पवेलियन में मौजूद है तो हरियाणा की वेशभूषा क्या है वो इस स्टॉल में दिखाया जा रहा है। काफी खूबसूरत तरीके से जो है इसको दर्शाया गया है। हरियाणा का पहनावा, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का कल्चर क्या है वो इसमें काफी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का स्टॉल है, इनसे भी जानेंगे इनके स्टॉल से ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कुछ खास इनके लिए इस बार ट्रेड फेयर में लेकर आए हैं। आपका नाम क्या है? ईशु सरोहा। आपके स्टॉल में इस बार क्या कुछ खास है? स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल टाइम में प्रिपेयर किया है, जैसे आयुर्वेद स्टूडेंट्स ने च्यवनप्राश प्रिपेयर किया है और होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने मल्टीग्रेन बिस्किट्स बनाए हैं और बाजरा मफिन बनाए हैं और फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, आप देख रहे हैं हरियाणवी ड्रेस, तो ये देख सकते हैं कि आप ये स्टूडेंट्स ने ये ड्रेस जो है वो कस्टमाइज किया है, फैशन और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये ड्रेस जो है कस्टमाइज किया, काफी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया। और ये कहना बिल्कुल भी जो है काफी शॉकिंग होगा, या ये कह सकते हैं कि ये काफी खूबसूरत है और इसको देख करके कोई कह नहीं सकता कि स्टूडेंट्स ने बनाया है। इसके अलावा इस स्टॉल में आप देख सकते हैं कि ये जो है होम साइंस और जो आयुर्वेद जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये ऑर्गेनिक च्यवनप्राश जो है वो बनाया, हैंडमेड च्यवनप्राश है। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारी बेकरी प्रोडक्ट्स भी जो है आपको अवेलेबल मिलेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे क्या पहली बार आपने ट्रेड फेयर में अपने? नहीं मैम, इससे पहले भी ट्रेड फेयर में स्टॉल्स लगाए। तो इस बार क्या कुछ खास लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की वजह से भी 2 साल तो काफी प्रभावित रहा सारा काम, कैसा इस बार आपको खास लग रहा है, क्या लोग इस बार खरीदारी करने पहुंच रहे हैं? मैम ये बेसिकली खरीदारी सेल पर्पस के लिए तो लगाया नहीं है, ये प्रमोशन पर्पस के लिए लगाया है, लेकिन जो कोरोना पीरियड था उसके दौरान स्टडीज पे भी बहुत इफेक्ट हुआ है। बच्चों को पता नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में कैसे, मतलब कि 2 साल का जो गैप आया है बीच में, कि एक कॉलेज जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो स्किप आउट हो गया है, तो उसको भी हम यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। और ये कॉलेज का नाम भी आप देख सकते हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने इसका जो है निर्माण किया है। ओके, तो जिस तरीके से सर ने भी बताया, इनसे भी जान लेते हैं। सर मैं सुभाष बरारा, आई एम फ्रॉम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय।
हमारा जो है वुमेन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है, इसमें प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाती है। नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट वुमेन जो है यूनिवर्सिटी है, जहां पर प्री नर्सरी से लेकर के और पीएचडी तक की पढ़ाई भी की जाती है, और ऐसे में यहां पर स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद है जो है यहां पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर उनके प्रमोशन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा आगे भी आपको दिखाएंगे, काफी सुंदर तरीके से इस वॉल को भी डेकोरेट किया गया है। ये वॉल बताती है, ये दीवार बताती है कि हरियाणा की संस्कृति, उसकी धरोहर क्या है। गंगा आरती जो की जाती है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र में जो है काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर धार्मिक पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र की जो वहां पर रथ है वो यहां पर दिखाया गया है, रणभूमि कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, और ऐसे में काफी खूबसूरत तरीके से इसको भी दर्शाया गया है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र क्योंकि इसे कहा जाता है, ऐसे में यहाँ के मंदिर, यहाँ की जो नदियाँ हैं उनका काफी महत्व माना जाता है। आगे ये दिखाया गया है हिसार में जहाँ सरस्वती सभ्यता और आजकल राखीगढ़ी, तो यहाँ पर राखीगढ़ी की जो सभ्यता है वहाँ पर जो सरस्वती सभ्यता पुरास्थल है उसको काफी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। तो ये भी हरियाणा की अपने आप में एक धरोहर है, एक खासियत है, एक पहचान है। इसके अलावा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राखीगढ़ी की ही तस्वीर है जहाँ हरियाणा में पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त 5,500 वर्ष पुरानी सरस्वती सभ्यता की मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं, और उसको भी अपने पवेलियन में हरियाणा ने इस बार दर्शाया है, क्योंकि ये इसकी सभ्यता है, इसकी धरोहर है, और ऐसे में ये हरियाणा की खूबसूरती भी है, हरियाणा की पहचान भी है। काफी सुंदर तरीके से काफी सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, हर साल सूरजकुंड मेला जो है फरीदाबाद में लगाया जाता है, उसको भी काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। सूरजकुंड मेले की अपनी पहचान है, और हरियाणा में तो सूरजकुंड मेला काफी माना जाता है, काफी देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं देखने के लिए, यहाँ पर अपने बिजनेस करने के लिए भी पहुँचते हैं। और सूरजकुंड मेले की अपने आप में खासियत ये भी है कि यहाँ पर सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप डेकोरेशन के भी जो है ले सकते हैं, और कितने खूबसूरत तरीके से उसको दर्शाया गया है ये आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपने देखी हरियाणा पवेलियन की, ये पूरा स्टॉल हमने आपको दिखाया जहाँ पर क्या क्या स्टॉल, क्या क्या प्रदर्शनियां लगाई गई है वो आपने देखा, और अधिकतर यहाँ पर स्टार्टअप बिजनेस लोगों में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो संदेश है वो लोगों तक पहुँच रहा है, स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पहल करते नजर आ रहे हैं, और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। और ऐसे में बात अगर आम जनता की भी जाए तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ऐसे में लोगों का उत्साह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्टार्टअप बिजनेस जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं उनको ऐसे में काफी मोटिवेशन मिल रहा है, काफी प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उनसे खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, वीडियो जर्नलिस्ट गीतम के साथ जागृति, हर खबर।